हर इंसान के अंदर दो तरह के इंसान होते हैं, एक तो आप सभी को हमेशा बोलेगा ये गलत काम है, और एक बोलेगा नहीं कर, इसमें मस्ती है, इसमें तेको अब भी खुशी मिलेगा। लेकिन यानी इंसान को पता है कि अभी जो वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो जो खुशी के पीछे भाग रहा है ना वो टेम्प्रोरी खुशी है, परमानेंट खुशी नहीं है। फिर भी वो गलती करता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको बर्बादी ही पसंद है। अगर मान लो एग्जांपल समझो, अगर आप डेली सो रहे हैं, उठ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं रात को सोने से पहले आपको ये एहसास हो रहा है कि आपने आज का दिन जो है वो बर्बाद कर दिया है और ये दोबारा जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा, फिर आप क्या करते हो? एहसास होता है लेकिन अगला दिन इस काम को दोबारा रिपीट करते हैं। इसका मतलब क्या, इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए? आपको अपना बर्बादी जो है वो ज़्यादा पसंद है। क्लास को स्टार्ट करूंगा उसके पहले बोलूंगा ना एक बात कि शाम को 6 बजे जो आपका मैथ का रेगुलर क्लास नहीं आ रहा था, आज से मैथ का आपका रेगुलर क्लास शाम को 6 बजे डेली मिलेगा, बस रविवार को छोड़कर, ठीक है। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ना आप अपने फ़ोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हैं रजिस्टर करने के बाद। और एक बात, अगर वहां से 349 वाला पैकेज अगर बाई करेंगे आप सभी खरीदेंगे तो 1 साल के वैलिडिटी तक आपको आने वाले हर एक एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंक, हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट दिया जाएगा ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को आप सभी जज कर पाओ। और आज कवर करेंगे 9, 10 और 11 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, कोशिश करूंगा कि जल्दी क्लास खत्म करूं, ठीक है ना। और हाँ, 4:30 बजे वाला क्लास भी अब से रेगुलर रहेगा। और आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं जिनका नाम क्या है, पी नमग्याल, इनका निधन हो चुका है, ठीक है। आपको यह बताना है वो किस राजनीतिक पार्टी के थे जिनका निधन हुआ है, तो वो कांग्रेस के जो है एमपी रह चुके हैं, ठीक है, सांसद, वो भी 3 बार, कहां से, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है ना। और हाँ, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है थोड़ा बताइए आप सभी, तो आप बोलेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुब्रमण्यम सुंदर को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जो है वो पद दिया है, ये आपको बताना है। और ये 6 महीने के लिए इनको ये पद दिया गया है, तो आप क्लियर स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे फोटो में लक्ष्मी विलास बैंक का जो है वो एमडी और सीईओ बनाया गया है, किसको, सुब्रमण्यम सुंदर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार में एशियाई के लिए क्षेत्र पुरस्कार जीता है, उनका नाम बताना है, और उनका नाम है आपका कृतिका पांडे, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रेसिडेंट बीजेपी के, जिनका नाम क्या है, KN लक्ष्मण, इनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस प्रदेश के अध्यक्ष थे पहले, आपको यह बताना है, तो तमिलनाडु के, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। तमिलनाडु की अभी वर्तमान में सीएम कौन है, तो इडापड़ी के पलानीस्वामी। राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित, और राजधानी तो आई थिंक सभी को पता है चेन्नई है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय हॉकी के तरफ से किस खिलाड़ी को नामित किया गया है, तो जो फोटो में आपको जो महिला दिखाई दे रही है ना, यह इंडियन टीम की कैप्टन है, महिला हॉकी टीम की, जिनका नाम क्या है, रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईबी मंत्रालय के द्वारा, अच्छा आईबी मंत्रालय किसके पास है, तो आप क्या बोलेंगे, पीके के पास, प्रकाश पीजे, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है ये मंत्रालय, इनके द्वारा शुरू की गई कौन सी ई बुकलेट नरेंद्र मोदी के 1 साल वर्ष पर जारी किया गया है, तो उनका नाम है, उस बुकलेट का नाम क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया,
ठीक है, इसमें वही सब बताया गया कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छे दिन हमारे आ चुके हैं, सब देश में बहुत खुश है, सबको रोजगार मिल रहा है, यही सब चीज़ जो है इसमें बताया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को, टेबल टेनिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो उनका नाम क्या है, मानिका बत्रा। ये कौन है, टेबल टेनिस की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे नॉमिनेटेड किया गया है, तो मानिका बत्रा को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन होगा इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में? तो उनका नाम है गायत्री आई कुमार, ऑप्शन नंबर आपका बी। और यहीं पर अगर बात करें इंग्लैंड को लेकर, तो वहां के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन, जो कोविड-19 से संक्रमित रह चुके हैं, उसके बाद ठीक भी हो गए। और राजधानी की बात करें तो लंदन, और मुद्रा क्या है, पाउंड स्टर्लिंग वहां पर इस्तेमाल करते हैं मुद्रा के रूप में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन है जो इस्पात सचिव का पदभार ग्रहण किया है, यानी आप सभी को यह बताना है कि स्टील सेक्रेटरी जो है वो किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर आपका सी। इसके पहले कौन था, तो इसके पहले थे आपके बिनोय कुमार, अब ये नहीं रहे, इन नहीं रहे मतलब दुनिया में नहीं, इस पद पर नहीं रहे, इनके जगह पर किसने पदभार संभाला है, तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी ने, जो फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, टाटा पावर ने उड़ीसा के टीपी सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, यानी टाटा पावर के द्वारा कितना शेयर खरीदा गया है बोल सकते हो उड़ीसा टीपी सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में, तो 51% का, जो बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस संस्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, नाम क्या है आपका, उनका नाम है आपका भारीसेन, ऑप्शन नंबर आपका डी। और अगर बात करो उड़ीसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम, तो क्या बोलेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, राजधानी देहरादून। अगर बात करूं राज्यपाल कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, बेबी रानी मौर्य भैया जो है वो राज्यपाल है। अगला प्रश्न हमारे सामने, चर्चा में बहुत रहा है ये देश बहुत ज्यादा, आपको बताना है किस राष्ट्र ने खुद को कोविड वायरस मुक्त घोषित किया है, यानी वह वहां पर वायरस का संक्रमण जो है वो बिल्कुल नहीं फैल रहा है, पूरा जीरो हो गया है, कहां पर, न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न भी यहीं से निकल कर आ रहा है, वो बहादुर महिला जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम बताना है, यानी न्यूजीलैंड के पीएम का नाम, वहां कैपिटल राजधानी क्या है, या फिर करेंसी वहां का मुद्रा क्या है, यह तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है न्यूजीलैंड के बारे में, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन से बड़े राज्यों में भारत का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक सबसे ऊपर है? तो कौन है, गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। और गुजरात की बात करूं तो मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत, और कैपिटल गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यहां पर बात हो रहा है केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रहा है, अगर राज्य की बात होता तो आपका आंसर क्या होता है, गुजरात, लेकिन जैसे बात हो रहा है केंद्र शासित प्रदेश का, तो आपका आंसर क्या होगा, चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने, यानी कौन सा स्टेट ने बंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको बताना है बंदे उत्कल जननी, इसको अपने राज्य का सॉन्ग बनाया गया है, किस राज्य के द्वारा? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, और राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल, और राजधानी की बात करूं तो भुवनेश्वर। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र के साथ डील साइन किया है, यानी बिजली,
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस कंट्री के साथ भारत ने डील साइन किया है? तो वो देश है आपका डेनमार्क, ऑप्शन नंबर आपका सी। और डेनमार्क की बात करूं, डेनमार्क का कैपिटल क्या है, राजधानी तो कोपेनहेगन, और मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, डेनिश क्रोन, और राजधानी कौन है, मेटे फ्रेंडस्किन। ठीक है, ये याद रखिएगा, वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो मेटे फ्रेंडस्किन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, विदेश से वापस आए भारतीयों के लिए नौकरी हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सरकार योजना का नाम बताना है। विदेश से जो बाहर आएगा, ठीक है, विदेश से, अब अलग राज्य से जो अपने घर जा रहे हैं उनके लिए कितना अच्छा व्यवस्था आप जान ही सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है देश में, सभी को बहुत भर भर के जॉब मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन बात हो रहा है जो विदेश से आ रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी है, स्वदेशी योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म ही याद रखना है आपको, स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है, जो विदेश से आ रहा है उनको इस योजना के तहत जो है वो काम दी जाएगी। ठीक है, और अभी जो गरीब मजदूर हैं, प्रवासी शब्द का इस्तेमाल तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, जो मजदूर हमारे गरीब भाई बहन हैं जो अपने घर वापस आ रहे हैं, उनको काम कहाँ मिल रहा है यार, कहाँ मिल रहा है, मनरेगा के तहत ही उनको काम दिया जा रहा है। ठीक है ना, और ऐसा तो वीडियो बहुत सारा सामने आ रहा है कि बीटेक एमए एमबीए किए हुए बच्चे जॉब मार रहे हैं। अब देखो, मनरेगा में जो काम कर रहा है उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिल से इज्जत है, लेकिन अब पढ़े लिखे, अब मैं ही कुछ दिन से वीडियो देख रहा था कि एक गरीब परिवार अपने बच्चों को पैसा देकर बीबीए करवाता है और उनके पिता रिपोर्टर के सामने रोने लग रहा है कि मैं अपने बेटे को पढ़ाया पैसा जुटा कर ताकि मेरा बेटा वो काम ना करे जो मैं आज काम कर रहा हूँ, लेकिन आज ऐसा कंडीशन आ गया कि मेरा बेटा भी ये काम कर रहा है। यानी सरकार एक व्यवस्था भी नहीं कर पाई, और सरकार से कुछ पूछो तो सरकार बोलती है मुद्रा स्कीम के तहत लोन ले लीजिए, स्मार्ट सिटी के तहत लोन ले लीजिए, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया। अरे हर आदमी लोन पर क्यों जाते हैं आप, हर आदमी लोन ले नहीं सकता, हर आदमी व्यापारी नहीं बन सकता, बहुत आदमी को ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है, आप क्यों नहीं समझते, आदमी को अपने हाथ से काम चाहिए, सब चीज सबको लोन से आप नहीं जोड़ सकते, ये सच्चाई है, धरातल पर आप जब उतरेंगे तो आपको दिखाई देगा, टीवी में बैठकर प्रैक्टिस करना आसान बात है, समझ रहे हैं ना, बुरा लग सकता है मेरे एक बहुत जन जो भी व्यूअर है, बहुत जन को बुरा लग सकता है, आप सर गलत बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, आप देखो उतर कर एक बार। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, तो उनका नाम क्या है, उदय कोटक, बहुत बड़ा नाम सभी जानते हैं, कोटक महिंद्रा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, ट्विटर के चेयरमैन के रूप में यानी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इनको ट्विटर का चेयरमैन बनाया गया है, नाम क्या है इनका, तो इनका नाम है पैट्रिक पिचेटी, ऑप्शन नंबर आपका बी। और ट्विटर के सीईओ कौन है, जैक डॉर्सी, एक ऐसा इंसान जो अभी COVID-19 पैंडेमिक कोरोना वायरस महामारी फैला हुआ है, जिन्होंने इंडिविजुअल यानी अकेला सबसे दान देने के मामले में सबसे ज़्यादा दान दिए, सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, $1 बिलियन दिए, एक अकेला व्यक्ति के द्वारा दिए गए राशि में सबसे ज़्यादा दान इनके द्वारा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, बाफ्टा के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कौन है ये, कृष्णेंदु मुजुमदार, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी एमडी और चेयरमैन के रूप में किसे पद दिया गया है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे फोटो में स्पष्ट रूप से NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, नेशनल उर्वरक लिमिटेड, कौन है ये, श्री वीरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने चंद्रमा मंगल और उसमें उससे परे मानव मिशन का समर्थन करने के लिए नासा के साथ सहयोग किया है,
आपको बताना है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर आपका बी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कैपिटल क्या? केप टाउन। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? साउथ अफ्रीकन रैंड। और राजधानी क्या है? आप राजधानी बोल रहा हूं, वहां के राष्ट्रपति का नाम साइरिल रामाफोसा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, फेसबुक ने अपने प्रमुख सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम, आप सभी को पता है ना जो इंस्टाग्राम है वो किसका है? वो फेसबुक का ही है, पता होना चाहिए। उस पर अपने संगीत उत्पादों के पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए किस संगीत लेवल के साथ समझौते पर डील साइन किया गया है? तो फेसबुक का डील साइन हुआ है किस साथ? सारे गमा के साथ, ऑप्शन नंबर आपका बी। और इंस्टाग्राम से याद आया, दो दिन पहले ही हमने भी इंस्टाग्राम पर ज्वाइन किया है, सक्सेस की 98 के नाम से, आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमारे सामने है, नितिन गडकरी ने किस शहर में एक नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास की घोषणा की है जिससे पूरी तरह से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा? तो कहां पर? अमृतसर सिटी को, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में यानी एनवायरमेंट के क्षेत्र में किस देश के साथ एक डील साइन की है? तो भूटान के साथ किया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी। कभी भी अगर एग्जाम में आए एनवायरमेंट के ऊपर किस कंपनी के साथ इंडिया का डील साइन हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? भूटान के साथ। भूटान का कैपिटल थिम्पू, मुद्रा भूटानिस नुगल्ट्रम, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग। अगला प्रश्न हमारे सामने, एवरेस्ट ग्रुप के द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को आईटी सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? तो उसका नाम है यूएसटी ग्लोबल, ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लास थोड़ा सा मैं जल्दी करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कवर किया हूं, कितना 28 से 29 क्वेश्चन है टोटल 3 दिन के। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर 9, 10, 11 जून का। और मैंने बोल दिया है कल से 4:30 बजे बिजली आए आसमान आए ये क्लास आपको मिलेगा ही मिलेगा, और शाम को 6 बजे से क्लास भी आपका रेगुलर चलेगा। 3 क्लास को लेकर चल रहा हूँ, एक तो 11:30 बजे वाला रात का, सुबह वाला, और एक शाम को 6 बजे वाला। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, चलिए।